आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। बिहार में शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज व युवा बेरोजगार को रोजगार नहीं देने वाले नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ 13 जुलाई को भाजपा नेता व कार्यकर्ता राज्य के सभी जिलों से पटना पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। इस दौरान गोपालगंज से भी 2000 से अधिक संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता पटना जाएंगे। ये बातें शहर के ब्लॉक मोड़ स्थित सदर विधायक कुसुम देवी ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। वहीं जिला अध्यक्ष संदीप गिरी ने बताया कि सरकार शिक्षा देने वाले शिक्षकों को पटना में पिटवाने के बाद उनके खिलाफ FIR करवा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया और शिक्षकों की पिटाई करवा रहे हैं। इसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। तय तिथि को पटना पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ता शिक्षकों व बेरोजगारों युवाओं के पक्ष में एवं गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। स्थित गोपालगंज सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कुसुम देवी जी, भाजपा के जिला महामंत्री राजू चौबे जी, राजेश सहने जी, नगर अध्यक्ष दीपू जी और शहीद मीडिया प्रभारी दीपक जी और प्रेस वार्ता में आए सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 13 जुलाई को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मार्च किया जाएगा, जो सीधे विधानसभा का घेराव कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। जो स्थिति बिहार की है, आप लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद बड़े गुरूर से बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 लाख लोग के लोगों को 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे और बिहार में विकास का आयाम बनाएंगे। बहुत सारा वादा करके लोगों को बरगलाने का काम किया था, लेकिन आज जो बिहार में स्थिति है, बहुत दिनों से जो बिहार के बेरोजगार लोग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर इंतजार में बैठे थे कि हम अब शिक्षक बनेंगे, लेकिन फिर से बिहार में एक नया नियमावली लाकर सीधे BPSC बोर्ड से नया बहाली करने का काम किया जा रहा है और उसमें कहीं से उन लोगों के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो लोग उसमें उनका अभी शिक्षक बन सकें या उनकी भी बहाली हो सके। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और जो उन लोगों ने कहा था कि शिक्षकों को राज्य कर्मियों का हम दर्जा देंगे, वो लोग भी नहीं दे रहा है। जो राज्य कर्मी है, फिर से एक नया कन्फ्यूजन की स्थिति बिहार के बेरोजगारों के बीच हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में और जो आप लोग 10 लाख नौकरी का वादा किए थे उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में 13 जुलाई को हम लोग विरोध मार्च करेंगे और विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। बिहार की स्थिति जो है, 4 साल से बीत रहित शिक्षकों का पेमेंट बंद है, पंचायत में जो प्रतिनिधियों का भत्ता है वो बंद है, भ्रष्टाचार में पूरा बिहार सरकार लिप्त है, गंगा में जो 1700 करोड़ के लागत से जो पुल पानी में बह गया, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अभी तक उसमें FIR दर्ज नहीं किया गया है। इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कभी सकारात्मक राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार की जो स्थिति इस समय चल रही है, अनिश्चितता का माहौल जो बिहार में बना हुआ है, बेरोजगार अगर प्रदर्शन करते हैं, जो शिक्षकों के साथ बिहार सरकार ने उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वो प्रदर्शन करते हैं तो पटना में उनको लाठियों से पिटवाया जाता है। इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम बिहार सरकार के विरोध में अपना आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसका शुभारम्भ 13 जुलाई से पटना में होगा और गोपालगंज से 2000 हमारे कार्यकर्ता और जो भी हम आह्वान करते हैं सभी युवा साथियों से कि आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल हों कि बिहार के भविष्य को सुनहला किया जा सके और बिहार सरकार की निरंकुश तानाशाही और मनमानी पर रोक लगाई जा सके। हम लोग 13 जुलाई को गोपालगंज जिला से सभी कार्यकर्ता हम लोग जाएंगे, विधानसभा को घेराव करेंगे। सभी छात्र भी जितना है, लाठी चार्ज हो रहा है, सरकार सब तमाशा देख रहा है, इसलिए हम लोग पूरा विधानसभा घेराव करेंगे।
जन अधिकार पार्टी गोपालगंज के द्वारा जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर बुधवार को एक दिवसीय धरना दिया गया, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय धरना सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती प्रतिक्रिया में डेमिसाइल लागू करने, NS-27 मिर्जापुर से सारण बांध रूपन छाप तक जाने वाली सड़क में खजुरिया बितरणी में खतरनाक पुल जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है अविलंब बनवाने, NS-27 मिर्जापुर से बरौली थाना चौक तक जाने वाली सड़क को अविलंब बनवाने, NS-27 सलोना मोड़ से प्रेमनगर आश्रम तक जाने वाली सड़क को अविलंब बनवाने हेतु, सरकारी अस्पतालों में हो रही अनियमितता की जाँच कर कार्रवाई करने हेतु अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने की, जिसमें उपस्थित मोहम्मद कामिल, जिला अध्यक्ष युवा परिषद प्रमिला गिरी, महिला जिला अध्यक्ष नाजिर हुसैन, जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार राठी, जिला सचिव तुफैल अहमद, सोनू भाई, जिला उपाध्यक्ष रोकसार अहमद, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक पिंटू यादव, जिला सचिव अनिल कुमार बागी, जिला सचिव अजय कुमार पासवान, जिला सचिव शमसुल हक आजाद, जिला महासचिव रघुनंदन प्रसाद आदि मौजूद रहे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर पार्टी की तरफ से धरना का कार्यक्रम किया गया है। ये पूरे बिहार लेवल पर है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो वर्तमान में सरकार ने जो एक नियमावली बनाई है शिक्षक भर्ती वाले को लेकर के, तो शिक्षक भर्ती में हमारी पार्टी ये मांग करती है और इसी को लेकर के पूरे बिहार में धरना पर बैठी है कि डोमेसाइल नीति लागू किया जाए, बिहार के लोगों को ही इस बहाली में ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों को ही अवसर मिले। बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि बिहार से बाहर के लोगों को लेने का कोई टूक नहीं, यही उसके प्रतिभा का जांच करके और बिहार के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भर्ती वाला में उनको शामिल किया जाए, रखा जाए, अदर लोगों को शामिल। यहाँ के लोगों की जब बेरोजगारी संख्या बेरोजगारों की जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद बाहर से लीजिए, लेकिन डोमेसाइल नीति लागू कीजिए कि बिहार का जो यहाँ का मूल निवासी है पहले उसी की बहाली होगी और जब वो लोग नदारद हो जाएंगे, उनकी संख्या घट जाएगी और पद खाली रह जाएगा, तब आप दूसरा निर्णय ले सकते हैं इसी को लेकर के। और बिहार में जो भ्रष्टाचार कायम है इसके खिलाफ, बिहार में जो लूट खसोट मचा हुआ है, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, कहीं भी चारों तरफ लूट खसोट मचा हुआ है, हत्या बलात्कार इतना हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान दे और कंट्रोल करे, विकास के कार्यों पर आगे बढ़े। जब तक करप्शन को रोका नहीं जा सकता है तब तक विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं गोपालगंज अम्बेडकर चौक, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूज हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBC पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट,
हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज जिला के बस्टिला में स्थित CBSE पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में बिहार में पहली बार बालकों के लिए आयोजित हो रही लीग कॉम नॉकआउट खो खो प्रतियोगिता के लिए चयन प्रतियोगिता 16 जुलाई को गोपालगंज में होगा। खो खो संघ बिहार के महासचिव नीरज कुमार पप्पू ने बताया कि इस चयन प्रतियोगिता में पूरे बिहार के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सभी खिलाड़ियों में से कुल 150 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उन चयनित खिलाड़ियों से 15-15 खिलाड़ियों का 10 टीम बनाया जाएगा और फिर उनका 5 दिवसीय लीग कम नॉकआउट खो खो प्रतियोगिता कराया जाएगा। जिला खो खो संघ के अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने बताया कि चयन प्रतियोगिता का रूपरेखा तैयार कर लिया गया है और इस चयन प्रतियोगिता के लिए CBSE पब्लिक स्कूल के निर्देशक जितेंद्र प्रसाद को आयोजित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गोपालगंज जिला खो खो संघ के महासचिव विनीत कुमार शर्मा को आयोजन समिति का सचिव बनाया गया है। गोपालगंज शहर के थावे रोड में एक फर्नीचर का शोरूम चलाने वाले राजेश यादव को गुरुवार की सुबह मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोसाई टोला में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 2 गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और गोली मारने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए आराम से थावे की तरफ निकल गए। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने घायल राजेश यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सोशल मीडिया पर अपने आप को बाहुबली टाइप प्रदर्शित करने वाले लोगों की कुंडली निकालनी शुरू कर दी है और इस कड़ी में लगातार हथियार लहराने वाले दहशत फैलाने की नियत से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। इस कड़ी में बुधवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के तकिया गाँव के 2 सगे भाइयों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इनके घर 4 लाइसेंसी बंदूक है, जिनमें 2 पिस्टल हैं और इनके घर के लड़कों ने चारों बंदूक पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए दहशत फैलाने का काम किया है और इसकी जानकारी जब पुलिस अधीक्षक को हुई तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके घर छापेमारी की और चारों हथियार सहित उनके लाइसेंस को जब्त करते हुए 2 सगे भाइयों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया और इनके लाइसेंस को रद्द करने का भी प्रस्ताव भेज दिया गया। दरअसल ये दोनों भाई परवेज आलम और महताब आलम हैं, जिनके घर 2 बंदूक और 2 पिस्टल का लाइसेंस है। इनके बच्चे इन लाइसेंसी हथियारों से लैस होकर तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे, जबकि पिछले कई महीनों से लगातार पुलिस लोगों को निर्देश दे रही है कि सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए पोस्ट करना कानूनन अपराध है और इसमें भारी जुर्माना तथा जेल का भी प्रावधान है। उसके बावजूद भी आए दिन युवाओं के द्वारा हथियार लहराते हुए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई कर रही है और सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर एयरगन लेकर दहशत फैलाने के नियत से स्टाइल मारते हुए वीडियो डालने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। इसके यहां की छापेमारी में एक बड़ी एयरगन, एक छोटी पिस्टल टाइप एयरगन और एक लाइटर गन पुलिस ने बरामद किया है। इस पर भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। यह आरोपी पवन कुमार मांझी है, जो कुचायकोट के रामपुर खरिया का रहने वाला है और अपने आप को फिल्मी स्टार की तरह इन एयर गन के साथ दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद भी युवाओं का इस तरह से सोशल मीडिया पर हथियार लहराना ये काफी चिंताजनक है। विजयपुर स्थानीय प्रखंड के कुरतिया गांव की में भोला मिश्र के श्राद्ध क्रम में शामिल होने बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया एवं हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में न्याय मिलना असंभव है, इतनी बड़ी घटना घट गई है और महागठबंधन के एक भी नेता पीड़ित के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। एक गरीब व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई है, जिनके घर में दरवाजे तक नहीं है, फिर भी सरकार द्वारा कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ ही दिनों में ही भाजपा की सरकार आ रही है तो ये अपराधी कितना भागेंगे, उनको खड़ा होने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। सब्र रखिए, जल्द ही हमारी सरकार आएगी और इन सभी हत्यारों के घर बुलडोजर चलने लगेगा।
जमीनी विवाद में दो गुटों में हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के सना गांव की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार माझागढ़ थाना क्षेत्र सना गांव निवासी शिक्षक गौतम मांझी और जितेंद्र मांझी के बीच गुरुवार को जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें गौतम मांझी और उनकी पत्नी रिंकू देवी सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल शिक्षक गौतम मांझी और उनकी पत्नी रिंकू देवी का इलाज माझा सामुदायिक केंद्र में कराया गया। घायल रिंकू देवी ने बताया कि घटना की जानकारी माझागढ़ पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर माझागढ़ पुलिस पहुंची, परंतु पुलिस के पहुंचते ही मेरे पटीदार जितेंद्र मांझी, उमेश मांझी, दिलीप मांझी, नीरज मांझी, अखिलेश मांझी सहित एक दर्जन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की जांच पुलिस कर रही है। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र गुलाम हुसैन टोला गंडक नहर के समीप सड़क के किनारे लवारी सूप में पड़ी हीरो स्प्लेंडर बाइक को माझागढ़ पुलिस ने गुरुवार को स्थल से बरामद करते हुए घटना की जांच करने में लग गई है। गोपालगंज जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बशीला का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा DRCC के निर्मित भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जिला पदाधिकारी के पूर्व निरीक्षण के क्रम में भवन निर्माण विभाग को दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, जिस पर उनके द्वारा खेत प्रकट किया गया और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रबंधक DRCC नए विद्यालयों महाविद्यालयों को DRCC के पोर्टल पर ऐड करने के लिए SMR पत्र भेजेंगे, जिससे उनके अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सके। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी मिलरो पैक्स अध्यक्षों और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों के साथ धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में धान अधिप्राप्ति के कम CMR पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सख्त लहजे में निर्देश दिया गया कि जिन जिन का अधिक बकाया है और यदि मिलरों के स्तर से CMR का बकाया है या पैक्स के स्तर से, हर हाल में मिलर CMR दें और पैक्स उनका धान उनको ट्रांसफर करें। यदि पैक्स स्तर की कोई समस्या है तो उसे दूर करते हुए उसको सख्त निर्देश दिया गया कि आप धान ट्रांसफर करें, जिससे कि आपका STR कटी और चावल FFC को भिजवाएं। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी मिलरों एवं पैक्स अध्यक्षों से 1-to-1 वार्ता की गई और उन्हें चेतावनी देने के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए। गर्भवती महिला और बच्चों को नियमित टीकाकरण से आच्छादित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। नियमित टीकाकरण से वंचित लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई। 3 चरणों में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान पूरा होगा, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य 0 से 5 वर्ष के बच्चों तथा TD के खुराक से वंचित गर्भवती महिला का 100% टीकाकरण से आच्छादित करना है। इसके साथ ही अभियान के तहत खसरा, रुबेला तथा PCV, FIVB के तृतीय खुराक से आच्छादन के सुदृढ़ पर विशेष ध्यान देना है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन और जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के जगन्नाथा गांव और मधुसरिया गांव में माझागढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत ऋण चुकता नहीं करने वाले 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार वारंटियों की पहचान माझागढ़ पुलिस के अनुसार जगन्नाथा गांव की इंद्रिस मिया के पुत्र शौकत अली, मधुसरिया गांव की चंद्रदेव चौधरी के पुत्र नागेंद्र चौधरी के रूप में की गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।